अमृत विचार के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें। बुलेटिन के आखिरी भाग में सुनिए रुहेलखंड समाचार। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 428 हो गई है, इनमें विदेशी भी शामिल है। इस महामारी से देश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने को कहा है। लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त फैसला लिया है, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक लॉकडाउन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को भी 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। दुनिया में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस पर काबू पाने में क्लोरोक्वीन दवा के मददगार होने की जानकारी के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर और उसके आसपास के दवा निर्माता कंपनी और अमेरिका सहित अन्य देशों की नजर है। यही कारण है कि इंदौर के बाजार से क्लोरोक्वीन दवा गायब हो गई है। इस दवा की आपूर्ति अमेरिका को किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। जर्मनी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अपने यहाँ प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए यहाँ 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है। जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस की वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर भारतीय ओलंपिक संघ ने साफ कर दिया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बारे में फैसला करने के पहले 1 महीने का इंतजार करेगी। और अब पेश है रुहेलखंड समाचार। खबर बरेली से। बरेली में मंगलवार से लॉकडाउन शुरू हो गया। रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन जहां लोगों ने संयम रखा था, वहीं आज लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर नजर आए। लोगों के घरों से बाहर निकलने की वजह से लॉकडाउन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बीच एक दूल्हे की कार को भी रोका गया। वो रिठौरा से करेली शादी करने जा रहे थे। सिर्फ 5 लोग बारात लेकर जा रहे थे। समाचार मुरादाबाद से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुरादाबाद में भी लॉकडाउन है। सोमवार को यहाँ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक वाहनों को शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ SP खुद वाहनों को लौटाते दिखे। वहीं मुनादी करके लोगों को लॉकडाउन की जानकारी भी दी गई। खबर पीलीभीत से। जनता कर्फ्यू के दौरान पीलीभीत के DM और SP के भीड़ के साथ जुलूस निकालने के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। वरुण गांधी ने जुलूस का वीडियो पोस्ट करके दोनों अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि ये अधिकारी सड़क पर उतरे और हुजूम के साथ घंटा और शंख बजाते रहे। माना जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। दोनों ही अफसरों ने जनता कर्फ्यू के उस उद्देश्य की अनदेखी की जिसमें लोगों के जमावड़े को रोकने को कहा गया है। आखिर में बरेली के मौसम का हाल। बरेली में गर्मी बढ़ने लगी है। सोमवार को दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल भी 32 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। इन खबरों को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.amritvichar.com। नमस्कार।